नॉर्मली रोड पर चलने वाली कार में तो बैठे ही होंगे, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके देश आपके शहर में उड़ने वाली कार लॉन्च होने वाली है तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में उड़ने वाले कार के बारे में बात करेंगे और ये भी बताऊंगा यह कार कहाँ बन रही है और अपने देश में कब तक आ जाएगी। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस कार को अमेरिका की एक कंपनी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने इस कार को बनाने की जिम्मेदारी ली है। यह कार आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। इस कार को जो कंपनी बना रही है उसका नाम टेराफुगिया ट्रांजिशन कंपनी है। ये कार हवा में भी उड़ सकती है और आसमान में भी चल सकती है। यह कार अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। उड़ने वाली यह कार छोटे एयरपोर्ट या फिर हाईवे पर लैंड कर सकती है। कार में ऐसा विंग लगा है जो रोड पर चलने के दौरान सिमट जाएगा। कार में 100 HP का रोटेक्स 912 IS स्पोर्ट्स फ्यूल इंजेक्टेड इंजन लगा है। यह कार एक बार में 643 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। कार बनाने वाली कंपनी टेराफुगिया ट्रांजिशन को उम्मीद है कि 2022 तक दो सीट वाली हाइब्रिड कार का प्रोडक्शन होने लगेगा। लेकिन इस कार को चलाने वाले व्यक्ति के लिए ड्राइवर लाइसेंस और स्पोर्ट पायलट सर्टिफिकेट जरूरी है। अब ये जो उड़ने वाली कार है ये अपने देश भारत में कब आएगा और सबसे पहले ये अपने देश भारत में कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अपने देश में सड़क पर लगने वाला जाम आम बात है। सड़कें जिस तेजी से बन रही हैं, नई गाड़ियों के सड़क पर उतरने की रफ्तार उससे कहीं ज़्यादा है। भीषण जाम में फंसे होने के दौरान आपने भी कई बार सोचा होगा कि काश मेरे पास उड़ने वाली कार होती तो यूं जाम में फंसकर रेंगना ना पड़ता। ऐसे में पिछले दिनों गुजरात जब फ्लाइंग कार का प्लांट लगने की चर्चा तो लोगों की रुचि इसमें और बढ़ गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिलहाल कहां पर फ्लाइंग कारों का इस्तेमाल हो रहा है और ये कितनी सफल है? पिछले दिनों एक डच कंपनी PALV ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात की। कंपनी ने गुजरात में फ्लाइंग कारों का पहला प्लांट लगाने को लेकर चर्चा की थी। PALV दुनिया की पहली फ्लाइंग कार पेश करने वाली कंपनी है। दरअसल कंपनी भारत में फ्लाइंग कार का प्लांट लगाकर पूरे एशिया में पांव पसारने की इच्छुक है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कंपनी के प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया है। उन्होंने कंपनी अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि अगर वह गुजरात में प्लांट लगाते हैं तो उन्हें जमीन से लेकर बिजली पानी जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं और सरकार की तरह से सभी मदद उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी शुरुआत कब होगी? कार की बुकिंग शुरू करने के साथ कंपनी के अधिकारियों ने बताया था कि शुरुआत में यह कार ब्रिटेन, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि भारत में इसका प्लांट लगने की खबरों के साथ ही एशियाई देशों में भी इसके जल्द उपलब्ध होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इन कारों को UK में चलाना और उड़ाना कानूनी होगा। इसे यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी के नियमों के तहत प्रमाणित किया जाएगा। इस कार की कीमत क्या होगी? फ्लाइंग कार का सपना तो कोई भी देख सकता है, लेकिन इसके शुरुआती दौर में इसे खरीदना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होगी। डच कंपनी PAL5 के अनुसार उनकी फ्लाइंग कार की शुरुआती कीमत भारतीय मुद्रा में तकरीबन 3 करोड़ रुपए होंगे। कंपनी ने अब तक 3.20 लाख पाउंड करीब 3 करोड़ रुपए कीमत पर फ्लाइंग कारों की प्री बुकिंग की है। कंपनी के अनुसार फ्लाइंग कार के उत्पादन और तकनीक पर वह अब तक 550 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। अपने देश में इस कार का भविष्य क्या है?
फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कार में बैठकर दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी को 2 घंटे से भी कम समय में तय किया जा सकता है। दिल्ली से जयपुर की दूरी 1 घंटे में पूरी की जा सकती है, वो भी बिना जाम में फंसे। अब सवाल उठता है, क्या ये इतना आसान है? इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, भारतीय वाहन चालकों में ट्रैफिक नियमों के प्रति लापरवाही या जानकारी का अभाव जग जाहिर है। इसके अलावा कई तक दिक्कतें भी हैं। भारत के ज्यादातर शहरों में बिजली के तार फ्लाइंग कारों के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे, क्योंकि इन्हें एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ाया जा सकता है। यहाँ कई बार छोटे प्लेन, सेना के प्रशिक्षु विमान या हेलीकॉप्टर तक तारों में फंसकर क्रैश हो चुके हैं। इसके अलावा भारत के ज्यादा शहरों में पार्किंग ही एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में फ्लाइंग कारों को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 330 मीटर जगह मिलना भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि इन कारों का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस और इस तरह की कुछ सीमित सेवाओं के लिए किया जा सकता है। भारत में अभी मरीजों को शिफ्ट करने या अंगों को प्रत्यारोपण के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ज्यादातर सड़क मार्ग से ही ले जाने की व्यवस्था है। इन वाहनों के जाम में फंसने से अनहोनी की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं। मतलब भारत में आम लोगों के लिए फ्लाइंग कार लेना अभी दूर की कौड़ी साबित हो सकता है। इस कार का रफ्तार व माइलेज क्या होगा? थ्री व्हीलर फ्लाइंग कार सड़क पर एक बार में 1287 किलोमीटर चल सकती है। हवा में ये कार एक बार में 482 किलोमीटर तक उड़ सकती है। इसका फ्यूल टैंक 100 लीटर का होगा और इसे पेट्रोल से चलाया जा सकेगा। सड़क पर इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। हवा में इसकी रफ्तार 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे अपने तक सीमित ना रखें और इस वीडियो पे एक लाइक कर दे, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।